मुरादाबाद में शनिवार को बाजारगंज स्थित गणपति चौक से श्री गणेश महोत्सव के अवसर पर भव्य गणेश रथ यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा का शुभारंभ श्री गणेश महोत्सव समिति बाजारगंज के तत्वावधान में सभी कार्यकर्ताओं, गणमान्य बंधुओं एवं सभी गंज बाजार के व्यापारियों के साथ मिलकर श्री गणेश जी के अधिवास का पूजन अर्चन कर कार्यक्रम किया गया। पूजन में भगवान को दूध, दही, अनाज, दालें, फल, मिठाई, मेवा आदि सामग्री से अधिवास में रखा गया। इसके पश्चात गणेश जी का अधिवास को दोपहर 1 बजे समाप्त होने के पश्चात उनकी स्थापना रथ यात्रा घास मंडी बाजार गंज से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस घास मंडी आई। तत्पश्चात समिति के कार्यकर्ताओं ने भगवान गणेश के पूजन के उपरांत विशाल पंडाल में स्थापना की गई। श्री गणेश महोत्सव में महाराष्ट्र से आए पंडित जी द्वारा पूजन किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्षता सचिन अग्रवाल द्वारा की गई। इस मौके पर मुख्य रूप से अनुराग अग्रवाल, अंकुर गोयल, दीपू, आयुष गोयल, लवी, पंडित रविशंकर आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मेरा नाम सचिन अग्रवाल है, गणेश महोत्सव समिति का अध्यक्ष हूँ मैं। पिछले 25 वर्षों से गणेश महोत्सव बाजारगंज में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ये गणेश महोत्सव का 26वां वर्ष बाजारगंज में, और सभी महानगर वासियों का बहुत प्यार मिलता है इसमें। और सभी महानगर वासियों को मैं अपील करूंगा, इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में आकर धर्म लाभ कमाएं, गणेश जी के दर्शन करें और प्रतिदिन रात्रि महाआरती का एवं बाहर के कलाकारों द्वारा अद्भुत अद्भुत झांकियों का मंचन होगा। अधिक से अधिक संख्या में आकर धर्म लाभ कमाएं। आज पतंजलि, आज दिल्ली के डीसी कलाकारों द्वारा अद्भुत अद्भुत झांकियों का मंचन होगा। और 8-9-10 दिन मोहन गोयल जो बहुत मशहूर भोजपुरी कलाकार हैं उनके द्वारा अद्भुत झांकियों का मंचन होगा। उसके बाद टीसी बीच कलाकार द्वारा 11 तारीख का मंचन होगा। 12 तारीख को विशाल भंडारा एवं शोभा यात्रा है, उसके तत्पश्चात भगवान गणेश जी का विसर्जन होगा। वहाँ पर भी भंडारा है। सभी से महानगर वासियों का अपील है, अधिक से अधिक संख्या में आए। धर्मनाथ भैया, गणेश उत्सव को लेकर क्या कहने चाहेंगे? हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री गणेश महोत्सव समिति के तत्वावधान में गणेश महोत्सव बाजारगंज घास मंडी में शुरू हो गया है, जिसमें आज प्रथम दिन 7 तारीख को एक गणेश जी की यात्रा गणपति चौक से निकलकर बाजारगंज यूनिवर्सिटी बालाजी के मंदिर होते हुए गणेश जी की स्थापना गणपति चौक पर बड़ी ही धूमधाम से गाजे बाजों के साथ और ढोल नगाड़ों के साथ और डीजे के साथ बहुत ही ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे और गणेश जी की स्थापना यहाँ पर हो गई है। अब इसके बाद आज रात को 8 बजे महाभोग लगाया जाएगा अंकुर ज्वेलर्स की तरफ से, जिसमें 201 किलो लड्डू वितरित किए जाएंगे तथा 251 परिवार को हम गणेश जी की प्रतिमा जो कोल्हापुर से मंगाई है वो हम वितरण कर रहे हैं। और 8-9 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम दिल्ली के टी सीरीज कलाकार द्वारा आज होंगे, जो रात को करीब 1 बजे तक चलेंगे। और मैं सभी भक्तजनों से अनुरोध करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में आकर धर्म लाभ कमाएं। क्या शुभकामनाएं चाहेंगे? मैं सभी नगरवासियों से ये कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पर गणेश जी की पूजा करने आइए, गणेश जी की सेवा करिए और गणेश जी का आशीर्वाद दीजिए।